तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मीना की दुनिया। नमस्ते दोस्तों। अरे नहीं नहीं, मैं बस में नहीं बैठा हुआ, मैं तो मीना के स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। क्या कहा, क्यों? अरे भाई, आज मीना और उसकी क्लास के बच्चे अपनी बहन जी के साथ गंगापुर के स्कूल जो जा रहे हैं बस में बैठकर। क्या कहा, किस लिए? अरे आज गंगापुर और मीना के स्कूल के बीच में खेल कूद की प्रतियोगिता जो है। चलो चलो जल्दी चलो, कहीं बस ना छूट जाए। सब बच्चे आ गए? जी बहन जी। चलिए ड्राइवर साहब, बस चलाइए। में मीना की सहेली मिली 100 मीटर की दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लेने वाली है। लगता है मीना उसी बारे में मिली से बात कर रही है। देखना मिली, ये दौड़ तो तुम ही जीतोगी। सच मीना? हाँ मिली, तुमसे ज्यादा तेज अपने स्कूल में और कोई लड़की नहीं दौड़ सकती। बस तुम्हें दौड़ शुरू होते ही थोड़ा सा और तेज भागना होगा। थोड़ा सा और तेज? मैं समझी नहीं मीना। पाशा भैया ने मुझे एक बार बताया था कि वो दौड़ शुरू होते ही पूरी ताकत के साथ बहुत तेज भागते हैं। तुम देखना मीना, मैं भी पाशा भैया की तरह दौड़ शुरू होते ही तेजी से दौड़ूंगी। तेजी से दौड़ूंगी, सबको पीछे छोड़ूंगी। और इस तरह हंसते हंसाते खेलते खिलाते मीना की बस जा पहुंची गंगापुर। चलो बच्चों, गंगापुर स्कूल आ गया। ये बच्चों, तुम जल्दी से जाकर हाथ मुंह धो लो। मिली, तुम हाथ मुंह धो के सीधे मैदान में चली जाना, तुम्हारी दौड़ शुरू होने ही वाली है। जी बहन जी। चलो मीना। ठीक है मिली, चलो। वो देखो, सामने ही हैंड पंप है, वहाँ चल के हाथ मुंह धोते हैं। हाथ मुंह धोते हैं, तैयार होते हैं। मीना, इस हैंड पंप में तो पानी ही नहीं आ रहा, अब क्या करें? लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ शुरू होने वाली है। जीतने वाली लड़की को गंगापुर गांव के सरपंच जी अपने हाथों से इनाम देंगे। सभी प्रतियोगियों से अनुरोध है कि वो जल्दी से मैदान में आ जाए और अपना अपना स्थान ले। ओहो, दौड़ तो शुरू होने वाली है मीना, इतनी धूप, इतनी गर्मी, मुझे तो बहुत जोर से प्यास भी लगी है। तुम घबराओ मत मिली, तुम मैदान में जाओ, मैं तुम्हारे लिए भाग के पानी लेके आती हूँ। मीना ने पूरे स्कूल में ढूंढा लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। ये हैंड पंप भी सूखा है, अब क्या करूं? मिली को तो बहुत जोर से प्यास लगी है। चलो उन लड़कों से पूछती हूँ। सुनो, यहाँ कहीं पीने का पानी मिलेगा? नहीं, हमारे स्कूल में तुम्हें कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम लोगों को स्कूल में प्यास लगती है तो तुम क्या करते हो? पानी पीने अपने अपने घर भागते हैं, और क्या। अरे ऐसे तो तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान होता होगा। हाँ होता है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। ठीक कहा लड़कों ने भी, वो करें भी तो क्या, उनके स्कूल में पीने का तो दूर, हाथ मुंह धोने तक को पानी नहीं है। अरे ये मीना भागी भागी कहाँ जा रही है? ओहो, ये तो स्कूल के मैदान की तरफ भागी जा रही है। आधा दौड़ के बाद अब अगली प्रतियोगिता है लड़कियों की 100 मीटर की दौड़। भाग लेने वाले प्रतियोगी हैं सीमा, रजनी, कुसुम। मिली, मिली, पानी मिला मीना? नहीं मिली, सब जगह देखा लेकिन कहीं नहीं मिला पानी। मुझे तो बहुत जोर से प्यास लगी है मीना। वो देखो मिली, घड़ा, जरूर उसमें पानी। उसमें भी पानी नहीं है मीना, मैं गई थी वहाँ लेकिन। मिली, मिली, मिली कहाँ है? मैं जाती हूँ मीना, याद है ना मिली, तेज भागना। हाँ मीना, तेज भागूंगी। और ये दौड़ शुरू। सबसे आगे है गंगापुर स्कूल की रजनी, रजनी के पीछे है मिली, मिली के पीछे है सीमा। मिली और तेज भागते हुए सबसे आगे आ गई है, लगता है ये दौड़ मिली ही जीतेगी। और मिली तो फिर से रुक गई।
मीना, भाग के जाओ, पास के किसी घर से पीने का पानी लेके आओ। जी बहन जी। मीना भाग के पास के एक घर से पीने का पानी ले आई। तब तक गंगापुर की नर्स बहन जी भी स्कूल के मैदान में पहुंच चुकी थी। गंगापुर के सरपंच जी भी मिली के पास ही खड़े थे। मिली ने अपनी आंखें खोली और टीचर जी से कहा, बहन जी लो पानी पियो। मिली, मैं हार गई बहन जी। कोई बात नहीं मिली, हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है। अगर तुम ना गिरती तो जरूर जीतती। नर्स बहन जी, मिली को ये अचानक मिली के शरीर में पानी की कमी हो गई थी। हाँ बहन जी, मिली पर स्कूल में पानी की सुविधा ही नहीं है। आपको तो पता ही होगा कि हर स्कूल में पानी की सुविधा होना कितना जरूरी है। अगर पानी ही नहीं होगा तो बच्चे पिएंगे क्या? और खाने से पहले हाथ मुंह किससे धोएंगे? किससे धोएंगे? प्यासे रोएंगे। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ बहन जी, लेकिन आप चिंता न कीजिए, मैं ग्राम शिक्षा समिति की तरफ से ये समस्या ब्लॉक इंजीनियर के सामने रखूंगा और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही हमारे स्कूल में पानी की पर्याप्त सुविधा होगी। बहन जी वो देखिए, मोनू भागा भागा हमारी तरफ ही आ रहा है। बहन जी, बहन जी। क्या हुआ मोनू? जल्दी चलिए बहन जी, सुनील सुनील बेहोश होने वाला है। सुनील को क्या हुआ? सुनील ने लड़कों की 100 मीटर दौड़ में गंगापुर के किशन को हरा दिया है। हमें डर है कि कहीं सुनील खुशी के मारे बेहोश ना हो जाए। गंगापुर गांव के सरपंच जी ने मीना की बहन जी की बात को बहुत गंभीरता से लिया और ब्लॉक इंजीनियर के सामने पानी की समस्या रखी। और जानते हो इसका नतीजा क्या हुआ? अब गंगापुर स्कूल में पीने के लिए और मुंह हाथ धोने के लिए खूब पानी है। अब देखते हैं मीना और मिट्टू कैसी कविता बना रहे हैं। छोटी सी है बात, नहीं कोई लंबी चौड़ी कहानी। पीने को और हाथ धोने को स्कूल में चाहिए पानी। भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्टू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। खेलने? क्या कहा? कहाँ खेलेंगे?
अरे भाई मीना की क्लास में चलो। बच्चों आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। शाबाश, आज मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे, ठीक है? ठीक है जी। तो आज का अक्षर है क। सबसे पहले बताओ क से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ दीपू बताओ। किशोर कुमार। शाबाश दीपू। और किशोर कुमार कौन थे? भारत के एक मशहूर गायक। बिल्कुल ठीक। बहन जी मुझे तो किशोर कुमार जी का वो गाना सबसे अच्छा लगता है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी टिन 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 टन 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 टिन टिन टिन। पता है बच्चों, किशोर कुमार न सिर्फ एक महान गायक थे बल्कि वो एक संगीतकार, अभिनेता और निर्देशक भी थे। चलो बच्चों अब क से किसी जानवर का नाम बताओ। कछुआ। शाबाश कृष्णा। चलो बच्चों अब क से शुरू होने वाली कोई चीज। कलम। शाबाश। कलम यानी पेन या पेंसिल, और कहते हैं कि कलम तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होती है, मतलब आपके लिखे हुए लेख समाज में बदलाव ला सकते हैं। अब बताओ क से किसी जगह का नाम। कन्याकुमारी। शाबाश मीना। और कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में। शाबाश। तो मजा आया बच्चों?